ये है एक, वो है नशा। और नशा सिर्फ सिगरेट का, शराब का या ड्रग्स का नहीं है, नशे बहुत तरीके के और भी हैं, जिसके ऊपर मैं अभी आने वाला हूं। दूसरा कहां ध्यान जाएगा? एक जाएगा नशे के ऊपर। दूसरा मजा कौन सा है जिसके पीछे पूरी की पूरी दुनिया भाग रही है? उसका ध्यान जाएगा सेक्सुअल प्लेजर्स की तरफ, सेक्स की तरफ। कुछ लोग मैं देख रहा हूं जो स्पेशली जो एज में थोड़े से ज्यादा है वो ऐसे हो गए मेरी ये बात सुन, अरे भाई ये क्या बोल दिया, सेक्स, ये वर्ड कहां से मुंह से बाहर आ गया। सेक्स में मजा है या नहीं है? शर्म नहीं आ रही पब्लिक में? यस, अरे बहुत मजा है। कौन कहता है मजा नहीं है? कौन कहता है मजा नहीं है? और अगर मजा नहीं होता तो हमारे देश की 125 करोड़ की आबादी कैसे होती? देखो लोग कर क्या रहे हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स की हिम्मत नहीं हो रही है बात बोलने की यहां पर, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जड़ क्या है प्रॉब्लम की, मैं वो समझ सकता हूं क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुका हूं। मैं कोई 50 साल पुराना आदमी नहीं हूं। अरे भाई मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर क्या बीत रही है, मैं समझ सकता हूं कि साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है। इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो, टीचर्स कह रहे हैं पढ़ो, कोई ये नहीं बता रहा कि यहां से अपना ध्यान कैसे हटाए, कैसे हटाए। अब वो भी क्या बताएंगे, वो खुद अपना ध्यान नहीं हटा पाए वहां से। मुझे लग रहा है यहां पर कुछ पेरेंट्स थोड़ी देर में बगावत करने वाले हैं, भाई ये ज्यादा हो रहा है, हमारी संस्कृति में ये सब बातें अलाउड नहीं है, हमारे कल्चर में ये सब बातें फिट नहीं होती। कौन सा कल्चर, कौन सी संस्कृति, ध्यान से समझो क्या मैं बोलने वाला हूं। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चीज की, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कल्चर बनता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कल्चर जो बनता है, ट्रेडिशंस जो बनते हैं, वो बनते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। सिचुएशंस कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनती भाई, इस बात को हमको समझना है। तो ये जो कल्चर बना था आज से 1000 साल पहले, वो बिल्कुल परफेक्ट था उस 1000 साल पहले वाले टाइम के हिसाब से। आज के हिसाब से कैसे भाई, कैसे लगाओगे इन सब बातों को यहां पर, आज के टाइम में कैसे अप्लाई करोगे? जब सेक्स करने के लिए आज से अगर हम पीछे चले जाएं, मे बी 500 साल पीछे चले जाएं, तो अगर आप पेरेंट्स हो, आपको अपने बच्चों को इन सब गलत कामों में जाने से रोकना है, अगर इसको गलत कहें तो, हाँ, इन सब कामों में जाने से रोकना है, तो आप क्या कर सकते थे, उसके हाथ पैर बांध करके उसको कमरे में लॉक कर दो, और जब शादी की है जो उसकी फटाफट से शादी करा दो, या चाइल्ड मैरिज करा दो ना, जरूरत ही क्या है, आगे बढ़ना ही मत दो उसको, फटाफट से चाइल्ड मैरिज, 5-6 साल का है चाइल्ड मैरिज कराओ, काम खत्म। उस टाइम के हिसाब से वो ठीक था, आज आप कैसे रोकोगे? और मैं सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स उनकी बात नहीं कर रहा जो फिजिकल लेवल पे है, वो तो है ही है, एक मेंटल लेवल पे भी है। कि somebody wants to do that, आप रोक नहीं सकते अपने बच्चों को, उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर में, उनको सिर्फ कुछ बटन दबाने हैं, और बटन दबाने के बाद में अपने दिमाग में जो वो चाहे वो कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो उनको कैसे रोका जाएगा, कैसे रोकेंगे? उससे बड़ी कोई पावर चाहिए उनको रोकने के लिए? बल्कि रोका भी नहीं जा सकता उस माइंड को जो इधर जा रहा है, कोई और डायरेक्शन दी जा सकती है। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द माइंड। ये पावर इतनी बड़ी है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इसकी डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है, माइंड की एनर्जी इसको कहीं और लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी पावर है जिसको डिजायर बोलते हैं, है डिजायर ही दोनों तरफ। अगर आप ध्यान से देखो जो भी मैंने अब तक कहा आज के सेशन में, है डिजायर ही, एक है कुछ पॉजिटिव करने का डिजायर, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर, कुछ बनने का डिजायर, कुछ करते रहने का डिजायर, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का डिजायर, और एक तरफ है अपनी एनर्जी इसको वेस्ट करने का डिजायर, मजे लेते रहने का। एक डिजायर है जो आपको नीचे ले जाएगा,
आप धसते चले जाओगे, एक डिजायर है जो आपको ऊपर उठा देगा, आगे ले जाएगा, परे ले जाएगा। धीरे धीरे यही डिजायर आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगा, जो आज आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, यहां पे कोई भी वो आदमी जिसके पास में करने के लिए कुछ नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसका ध्यान इन्हीं चीजों की तरफ जाने वाला है और कहीं जा ही नहीं सकता। चाहे वो नशा हो, चाहे वो ये हो जिसकी मैंने अभी बात करी, इस वर्ड को कहने में भी डर लगता है, सेक्स, वो हो, उसके अलावा और कहां जाएगा ध्यान? खाने के ऊपर जाएगा।